أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحل القرآن ومن تدواهي كاب سبق الرافية تهى وإيمانك كبه درجون فرهي آمين الحمد لله Yes, so we have done a special rule of Hafsan Aasim in the way of Shatwiyah. All the Tajweed rulings which we have completed बेसिक में और एडवांस में वो इसी तरीक़ा से हमने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह और वो जो रूल्स हमने सीखे हैं वो कॉमन रूलिंग्स हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं अगर हम बात करें कोई इजहार की कोई दोफ़ा की वो हर जगह अप्लाई होते हैं उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल रूलिंग्स भी हमने सीखा था लेकिन उनके अलावा कुरान के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो हमने ख़ुद ही से अप्लाई करना पड़ता है अगर आपने मरीदी मसह देखा तो जो कॉलम होता है यानी बॉर्डर्स होते हैं क़रनिक पेज के उस बॉर्डर्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कहाँ पर इमाला कहाँ पे इशमाम और किस तरह के रूलिंग्स को अप्लाई करना होता है अरबी में लिखा हुआ होता है अगर आप पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ आएगा बट मोस्ट अस जिनको अरबी आती नहीं हम कुरान को बस पढ़ते जाते हैं हम वो साइड के जो कॉलम्स में बॉर्डर्स में लिखा हुआ होता है अरबी के अंदर एवरी थिंग लिखी हुई होती है मानेक़ात अगर आते हैं वक्त की जो रूलिंग है वो लिखा हुआ होता है और सजदे के हवाले से लिखा हुआ होता है अगर बात जाए, की जाए वक्फ़ लाजिम की जहाँ स्टॉप करना लाजमन होता है वो भी वहाँ साइड में लिखा जाता है उन कॉलम्स में और वो बॉर्डर के साइड में ओके okay? जो पेजस के बॉर्डर होते हैं इन दी मजदी मसहक बट इफ़ द वन होज रिसाइटिंग डोंट नो ऑल दो थिंग्स तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है कि कौन सी जगह हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अप्लाई करना है ओके जो रूलिंग्स हमने तजवीद की सीखी हैं वो सारे हफ्नायल शबिया के ही

जी फर्स्ट uh, रूलिंग हमने uh, देखा है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं इनके बारे में हमने डिटेल में सीखा था इब्दाल और तस्हल जब जो अब हमजरतलफ़ाम होता है क्वेश्चनिंग हमजा उसके बाद जब हमज़रतल आता है तो हमज़रतल को वसल के दौरान पढ़ा नहीं जाता उसकी ना पढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो मीनिंग ऑफ अ वर्ड जहाँ पर क्या हमज़ा हमज़रतलफ़ाम क्या के लिए यूज़ आता है उस क्या का जो क्वेश्चन है वो उस वर्ड से ग़ायब हो जाएगा इस वजह से हमने मद बदल किया है मद बदल दो हर का होता है एक्चुअल में देखा जाए तो दो हरका है लेकिन उसके बाद जो लेटर्स पे हरकत है वो साकिन और तशदीद है जिसकी वजह से मद लाजिम की यह सिफ़त है है ना कि हरूफ मद के बाद साकिन सुकून असली या सुकून जो है तशदीद आ जाना राइट इस वजह से मद बदल यहाँ पर हम कर रहे हैं जिसको हमने खींचना था दो हर का लेकिन फिर भी हम इसको छः हरका खींचेंगे टू तो अप्लाई दी मद लाजिम क्योंकि हमने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मदूद में मद के स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मद लाजिम की होती है फिर मुतसिल की उसके बाद सुकून और मदलिन की उसके बाद मुनफसल की उसके बाद मद बदल और बाकी सारे ज मदलसी हैं उनकी आती है इस वजह से हम दो हरकत के बजाय इवन दो मद बदल कर रहे हैं जिसको खींचना तो दो हर का फिर भी छः खींचेंगे बिकॉज uh, uh, देर इज़ आल्सो अ रोल आफ मदिम okay? देर ओके अलहमदुल्लु इसको अकवास सबबैन कहते हैं जहाँ पर क़ुत वाली मद को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रादर दैन वो मद जिसकी उतनी क़वत नहीं होती ओके okay? तो इस वजह से हम मद लाजिम को यहाँ खींचते हैं आ, इसकी एक रूलिंग तो यही है कि हम इब्दाल करके मद बदल करके मद लाजिम की तरह पढ़ना है और एक ये तस्हील तसहील करके भी पढ़ सकते हैं अफसन आसिम में कैसे कि जो सकेन वाला हमजरतल्वस्फ्फ है जो सकेंड वाला हमज्ज जो हमजतलवस्स्फ है उसको आसानी के साथ आ, 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 के बजाय आल इस तरह हमजा को तस्हल करते हैं तस्हल कहते हैं आसानी के साथ अदा करना ऐसी ये था पहला स्पेशल बोर्ड ऑफ सकेंड है इस आय के सोलफ के नंबर वन सेवेंटी सिक्स में दो लेटर्स आए हैं साल और मतजनसान के एग्जाम्पल है जहाँ से मखरू है लेकिन दो अलग शिफात हैं इनके तो गल यहाँ मिला कर करने के दौरान किया जाएगा ओके जी तो नेक्स्ट जो हमने देखा था दौाम बिटवीन मीम और बा हालांकि ये पढ़ना बहुत आसान है फिर भी हम यहाँ पर इदौम शगैर कर रहे हैं जब इनके मखरज तो सेम है बा और मीम के लगते हैं उतने ज़्यादा सेम भी नहीं क्योंकि मीम का तो एक और मखरज है आप जानते भी होंगे कि वो अल्फाईशम है ना आ, बट स्टिल एज वे क्लोज द लिप्स टूगेदर बैंड वीम शेयर सेम मखरज डिफरेंट सफ़ात कम्प्लीटली डिफरेंट इनके होते हैं इस वजह से हमने यहाँ ईदाम करेंगे जो इगाम सग़ीर कहलाता है लेकिन जो मीम के ऊपर गना जो होता है वो अक्मल होता है कम्प्लीट टू कम ओके जी फोर्थ रूलिंग है इजहार ऑफ नून शाखिन जैसे नून शाकिन जब नून साकिन के बाद जब वाव एक ही वर्ड में आता है तो हमने उसके स्पेशल फ़ोर वर्ड्स देखे हैं सीिनवानिनवानान बुनिया एक ही वर्ड में नून शॉकिन के बाद वाव और या आते हैं तो हमने ऑबियसली इजहार मुतलक़ करना है बट यहाँ पे ऐसा है कि यासिन नून सान से एंड हो रहा है उसके बाद एक वर्ड शुरू हो रहा है वाव से फिर भी हम यहाँ पर जब दोनों आयतों को मिला कर पढ़ेंगे तो यासीू व इदाम नहीं करेंगे हमने पढ़ना है इजहार करते हुए नून नाखिन का यहाँ पर भी और सूरा कलम सूर् नून जो कहते हैं उसके आया नंबर

है ना हमने कोई प्रॉज नहीं किया यहाँ पर क्योंकि हमने वसूल किया फिर भी वहाँ पर वॉट यू है ऑल्सो नोल ओके दिस इज द वे वी प्रनाउंस ही और अलहमदिल्ला तो यस नेक्स्ट देखते हैं वन मिनट जी फिफ्थ uh, वाला जो हमने देखा है दाम कबीर Uh, यहाँ पर होता है एक कबीर हमने जब देखा कि दो लेटर्स एक दूसरे के करीब लिखावट में आते हैं तो उनका या तो इजहार होता है जो मुतल है राइट जिसमें पहला फतहा दूसरा साकिन होता है अगर दो भी फतः हो तो भी उनका इजहार होगा दो भी साकिन हो या पहला साकिन दूसरा इजहार तो हमेशा होता है लेकिन कहीं कहीं जगह पॉसिबिलिटीज़ है इजहार इज़ ऑलवेज़ बट स्टिल दर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़ देर मखरज मीट्स अगर उनके मखरज सेम हो या उनके सिफात सेम हो या मखरज करीब हो तो ऐसा हो सकता है कि जब दो हरूफ लिखने में एक दूसरे के करीब आते हैं पहला साकििन दूसरा मुतहरिक हो और किसी तरह से उनके सिफात मिलते जुलते या करीब हो तो उनमें दौाव में सग़ी हो सकता है वरना तो वो वैदान में चला जाएगा, जाएगा जहाँ पर इजहार करेंगे दूसरा वाला हमने देखा दौा में कबीर उनके मखरज़ सब सेम हो तो हो सकता है कि कुरान

स का मतलब जो दम्मा की हरकत है एक हरकत उसका टू थर्ड हरकत को पढ़, पढ़ना होता है जैसे लतु मनु के बजाय बहुत कम अलकला जैसा भी यह साउंड नहीं करेगा इसको ऐसे पढ़ना होगा लतु न ट वन काउंट दैट वन काउंट इज रिमूव एंड जस्ट टू बाई टू थर्ड ऑफ इट इज अप्लाइड न तब हमने ये सेकेंड वाला जो नून ऑलरेडी तशरीफ के साथ दिया गया उस पर गुना नहीं करेंगे आप ओके त मन बहुत कम टूथ और हिस्सा ऑफ दैट दमा की आवाज़ को हमने निकालना है अगर नहीं हो सकता या आपके लिए मुश्किल है तो ला तन ना ही पड़ी मन करके बट जस्ट अपने होंठों को गोल करें डोमा का तलफ़ किए बग़ैर बस अपने होंठों को डमा जैसा बनाना राउंड करना जैसे कि वहाँ पर डमा था ये मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पर भी और इसका वीडियो जो लास्ट टाइम था उस पर भी अपलोडेड है I will share the link of the YouTube soon, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर भी गन्ना जो है वो अकमल होता है बट यस दैट इश्म अपने हंतों को गोल करते हुए करना है ओके okay? जी नेक्स्ट जो हमने रूलिंग देखी थी वो है कि इन तीन लफ्जों पर वक्फ करने के uh, दो अलग अलग तरीके हैं uh, इस वर्ड पर जो आता आतानी आतानिया है अगर वसल के दौरान तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे बीमालियो फमा आता नी अल्लाफी वो तो स्टॉप हियर तो आप ये या जो लिखा हुआ है इसको फतहा को साकिन में बदल दें और पढ़ें बिमालियों फमा आतानी क्योंकि या साकिन हो जाए उससे पहले कसरा आ जाए तो यामत बन जाएगा दोहार का स्ट्रेच करेंगे फ़मा अतनी सोनमल क्या नाम बताते तो सिक्स में आता है अगर आपको ये निकाल कर कम्प्लीट पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं तब वक्त के दौरान ये कसरा साकििन में बदलेगा बीमाल फमा अत हालांकि हम इस तरह वर्ड्स के दरमियान कभी भी वक्फ़ नहीं करते स्पेशली तब करते हैं जब हम हमारी सांस रुक जाती है या जो भी हमारा वक्फ़ होता है वो आ, हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो ऐसे ही हो जाता है या तो सांस के टूटने की वजह से या खांसने या छींकने की वजह से है ना इन सब चीज़ों के दौरान जो है इस तरह का हम वक्त करेंगे तब ये चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा या तो एग्जामिनेशन में अगर टीचर ने कहा कि हमसे नासीम के जो तरीक़ात हैं उसको अप्लाई करते हुए ये वर्ड पर दो बार वक्त करके दिखाएं तब आपने दोनों टाइम स्टॉप करके दिखाना होगा कि एक बार इसको आता नहीं पढ़ सकते हैं या आतान सेम थिंग यहाँ पर भी एक तो ये अलिफात की रूलिंग वक्त के दौरान पढ़ें वसल के दौरान ना पढ़ें उस रूलिंग को अप्लाई करेंगे वरना हम इसको वसल के दौरान भी नहीं पढ़ेंगे वक्त के दौरान भी नहीं यानी इसको सलासिला पढ़ भी स्टॉप कर सकते हैं और सलासिल सिल पढ़ भी स्टॉप कर सकते हैं सेम थिंग इस पर भी होगा नेक्स्ट जो सेवन अलिफात का ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पर सेवन अलिफात की रूलिंग अप्लाई की जाएगी क्योंकि सेवन अलिफात में से कलिफ है ओके okay? लेकिन ये जो है सेवन अलिफात में से कलिफ नहीं है तो इसको हमने वर्ड सेम है लेकिन ओके okay? तो इसको वसल के दौरान तो ऑब्वियसली हम वन हर का ही पढ़ेंगे ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे लेकिन वक्फ के दौरान हालांकि हम स्टार्टिंग ऑफ आया का फर्स्ट वर्ड पर वक्फ करते नहीं बस चल एग्जामिनेशन के दौरान या कोई भी जो रुकावट होती है सांस टूटने की वजह से खांसने की वजह से उस काइंड ऑफ रुकावट की यानी वक्फ की वजह से अगर आपने स्टॉप कर भी लिया तो यहाँ जब स्टॉप करेंगे तो इस अलफ को भी नहीं पढ़ेंगे यानी स्टॉपिंग के दौरान भी अलिफ नहीं पढ़ा जाता बट ये ऐसा नहीं है ये फर्स्ट वाला फिफ्टी आय का जो कवारी कवर है वो वक्त के दौरान पढ़ा जाएगा वसल के दौरान नहीं और ये वाला जो है वक्त के दौरान भी नहीं पढ़ा जाएगा वसल के दौरान भी नहीं तो कैसे पढ़ेंगे वल स्टॉपिंग कवारी ऐसा स्टॉप करेंगे फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना हमने कल कंप्लीट कर लिया था राइट इन द लास्ट क्लास तो आज इंशाल्लाह कुछ और रूलिंग्स को देखते हैं फर्स्ट है अशक्ता सख्ता जो आपको पता है जो बेसिक तजवीद में हमने सीखा था और इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी हमने वहीं पर ऑलरेडी सीखा हुआ था बस यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह हफ्सिन आसिम के लिए स्पेशल है क्योंकि बाकी की तजवीद की रूलिंग्स अगर आपने कभी वर्ष नाफ़े के या बहुत सारे अलग तिलावत कुरान हैं डिफ़रेंट क़ायरत के आप उसको सुनकर देखें आपको दिखेगा कि सख्ता जो है उन तिलावतों में बहुत जगह किया जाता है ओके बहुत जगह सख्ता होता है हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था सूरत दहर का ही है ना हल इंसान किस तरह वहाँ पर हम आ, जो है स्टॉप करके सख्ता करके पढ़ रहे थे राइट तो ऐसे ही सकता जो हफ्स नासीम की रिवायत से हम फॉलो करते हैं वहाँ पर जो है सिर्फ फ़ोर जगह होते हैं हालांकि सकता आपको कुरान में बहुत जगह मिलेगा ओके okay? कहा जाता है कि सिक्स जगह करना ज़रूरी है जहाँ पर फोर में तो कंपलसरी है बट मोर देन दैट यू कैन सी सकता रिटर्न इन मैनी प्लेस इन दुरान स्पेश मरीद मुस्फे में देखें तो सक्ता लिखा हुआ ही आपको मिलेगा लेकिन ये फोर प्लेस में करना कम्पल्सरी है अकॉर्डिंग टू दिस तरीक़ा ओके जी लेकिन इसके अंदर भी ये दो जो प्लेस हैं इसमें हाँ आप सकता किए बग़ैर वक्फ़ करके भी पढ़ सकते हैं ओके okay? इसका जो रीज़न है वो भी आपको समझ आ जा जाएगा सूरह कहफ क्या नंबर वन की एंडिंग का जो वर्ड है उस पर सख्ता करेंगे ओनली इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द रिसाइटेशन आई मीन वसल करके आप नेक्स्ट आयत को भी मिलाकर उसी एक सांस में पढ़ रही हो तो जैसे इस तरह आप मिलाकर पढ़ रही हैं तो आपने सख्ता करना है वरना आपने देखा होगा कि आयत की एंडिंग है आयत की एंडिंग पर स्टॉप करना आयत की एंडिंग की जो अलामत होती है वो सारे अलामतों से मज़बूत होती है सारे वक्त की अलातों से मजबूत होती है तो ज़रूरत नहीं होगी कि आप यहाँ सख्ता करें आयत इतनी लंबी भी है सोलह अलहफ के आया नंबर वन अगर आपने एक सांस में पढ़ भी लिया तो आपसे होगा ना कि आप सेकेंड आय को पढ़ें बट स्टिल रीडिंग लाइक दैट आपको सस्ता करना पड़ेगा आप ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ सकती कि वलम ली और इस तरह आप यानी इसको मिलाकर आप नहीं पढ़ सकते ओके यू हर हैव टू स्टॉप हियर लाइक सकता सक्ता का मतलब होता है ब्रेथलेस पॉज सक्ता का मतलब क्या है ब्रेथलेस पॉज सांस तोड़े बग़ैर वन हरका के लिए रुक जाना और नेक्स्ट वर्ड को पढ़ना इसको सकता कहते हैं जो बेसिक्स में हमने सीखा था तो आपने यही करना होता है आप मिला कर तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते री है फिर भी लिखा होगा उस्मानी मुसाफ में लेकिन अगर आपने इंडियो पार्क वर्जन देखा तो आपको सख्ता कम्प्लीट लिखा हुआ मिलेगा अरबी का ओके सीन और कैफ और त आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो देर इज नो नीड ऑफ वर्डिंग सख्ता लिखा हुआ मिलेगा तब आपने सख्ता करना होता है उन वर्ड्स पे दूसरा है श्र यासिन की यह आया जिसके आयत के दरमियान में सख्ता लिखा हुआ आपको मिलेगा लेकिन उसके बाद मदीदी मुशाफ अगर आपने देखा तो उसमें मीम है मीम मीम क्या होता है वक्फ़ लाजिम होता है जहाँ स्टॉप करना कंपलसरी है अगर मदीनी मुशाफ आपने देखा तो वहाँ पर कौफिला होगा कौफ़लाम या होता है वक़्ला यानि व़फ़ करना ओला है अल है अफजल है बेहतर है तो आपने वहाँ पे वक्फ करना भी होता है तो या तो यहाँ पर भी आपके पास एक चॉइस है तो चाहे तो आप यहाँ पर स्टॉप कर दें या आप जो है सख्ता करके पढ़ें दोनों हालतों में सही है लेकिन आप मिला कर नहीं पढ़ सकते जैसे هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ايجا نمبر 52 اوف سوره ياسين ہے اس کو اگر اپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو یہ میں نے جو پاز کیا تھا ون حرکت کے لیے اس طرح پاز کرنا پڑے گا یا اپ نے کمپلیٹ یہ وقف لازم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے وقف کر دیں مبعثنا مما رقدنا वक्त करें सांस लें, इस तरह आप कंटिन्यू करें शायद को ओके बट मिला कर फिर नदाउट एनी सख्ता और वक्त इज़ नाट अलाउड बिकॉज ये सख्ता अफसन आसिम की रूलिंग्स में स्पेशल है ओके ये दो जगह आपको करना कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई अलामत नहीं वक्फल लाजि नायत की एंडिंग जैसी और करना कंपल्सरी ही है अकॉर्डिंग टू दिस रूलिंग ओके कौन सी है सुरक़्यामक यहाँ नंबर ट्वेंटी सेवन है वकी रौकल एक्चुअल में यहाँ पर अगर आपने मिला कर पढ़ा तो कैसे पढ़ना होगा साकिन के बाद रो आने पर हम क्या करते हैं तजदीद लगा कर इम बिलागुलना करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू हसन आसिम रूलिंग यू कैन नॉट डू दैट इम बिलागुल्ना हियर द मीनिंग कैन चेंज मर रॉक हो सकता है इस वजह से मन। रौक अमन रौक ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर भी सूरह मुतफिन की जो आयत नंबर फोटी है इसके अंदर भी जो है आ, सेम रूलिंग अप्लाई हो रही है

आपकी सांस को तोड़ना नहीं है तोड़ के नहीं सांस नहीं लेना है वही सांस में जो आप इस आयत को पढ़ रही थी उसी में ब्रेथलेस पॉज करना है विदाउट टेकिंग अ न्यू ब्रेथ जस्ट स्टॉप देयर फॉर अवाइड एंड कंटिन्यू ये फोर जगह हफ्स ना से मनतल अशिया में जो है सख्ता करना कंपलसरी है जिसमें दो जगह तो आपने ज़रूर करना है हाईलाइट करके रख लें इट विल बी एजी फॉर यू इनशाई ओके फ़ाइन तो ये सीन और सौद की रूलिंग आपने देखा कुरान के अंदर चार जगह ऐसे वर्ड्स आते हैं सौद के ऊपर सीन या सीन के नीचे सौद इस तरह लिखा हुआ होता है है ना तो उसकी भी एक रूलिंग है दोनों वर्ड्स में ये जो वर्ड्स यहाँ पर हैं इन वर्ड्स में सौद लिखेंगे तो भी उसका मीनिंग सेम है सीन का भी मीनिंग सेम है बट ये हर एक रिवायत में अलग अलग है ओके मतलब कुछ रिवाया में अगर सीन पढ़ा जाता है तो कुछ तरीक़ात में ये स्वाद पढ़ा जाएगा जो हम फॉलो करते हैं हफ्सन आसिम में उसमें आपको इन्हीं के मुताबिक पढ़ना होगा जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है ओके इसमें चार ही आते हैं ऐसे वर्ड्स जो फर्स्ट है वो सूरत बकरा के नंबर टू फोटी फाइव में है वहाँ पर आपको सीन पढ़ना पड़ेगा ओके, ओके जो पढ़ना होता है मजीद मुशफ़ में वही लिखा हुआ भी होता है जो ऊपर का है शायद वो नहीं पढ़ना होता इस वजह से मुशरफ़ के अंदर आप हाईलाइट करके रख लें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसद के नज़दीक के यहाँ पर सीन पढ़ेंगे और कहाँ पर सौद पढ़ेंगे सूर्य अलबकर के नंबर टू फोर्टी फाइव के अंदर हमने पढ़ना है सीन को यहाँ पर सौद नहीं पढ़ेंगे ओके व यबीन सो 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 हैवी नहीं करेंगे वो

बस अलाउड, इट शुड बी बस सीन तो, okay, no, को पढ़ना है और एक जो सौद वहां पे लिखा गया है जहाँ पर हम सीन पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे रिवायत की दूसरे है जहां पर हम सौद की तरह भी पढ़ा जाता है बट वॉटेशन वी आर फॉलोइंगी है आपके पास चॉइस है चाहे तो आप उसको सीन पढ़ें या तो सौद पढ़ें भी पढ़ सकते हैं सौद में हुए वरना पढ़ सकते हैं मोसॉई मोसई दोनों तो sure जो है वो हैवी ही रहे उसकी जो आ, सौद और सीन की जो लाइटनेस औरवीनस है उसका असर तो पर ना पड़े पर हर जगह तो आया है विच इज़ दस्ट ऑफ बी केयरफुल देअ लास्ट लेटर सौद और सीन में यहाँ पर आपको सौद ही पढ़ना होगा बी मोसॉई ओके सो दैट्स ताज अलहमद ला वशिया के नंबर ट्वेंटी टू में आता है बस फोर प्लेसेस में आपको इस तरह का वर्ड दिखेगा जिसका मीनिंग देखें आपको दिख रहा होगा इसका जो रूट वर्ड है वो सेम है सेम वर्ड है जो अलग अलग हालात में आया है अपने ग्रामेटिकल वे में अलग अलग तरीक़े में वो आया है बट द वर्ड इज समॉट सेम विद इट्स रूट वर्ड आप अगर देखेंगे तो सेम है बट जस्ट विद द डिफरेंट ग्रामेटिकल प्लेसमेंट इन द सेंटेंस बतिया आप उसको सीन और सौ दोनों तरीक़े से पढ़ सकते हैं लेकिन जो हम फॉलो करते हैं हमसे नासम मिन तरीक़ो शाहबिया के अंदर आपने इसको इस तरह पढ़ना होगा इन शस्ट जी तो यस और एक है इमाला ये तो आप सबको पता ही होगा आई हैव डिस्कस दिस मनी टाइम स्पेशली जब मैं आपको मदे लीन के बारे में बताती थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं व सैफ लैब रैब, रैब गैर गैर तो मैं बताती थी कि ये इमाला होता है जो फतह और कसूरा की दरमिया आवाज़ हालांकि यालिन और वॉलिन में भी वैसा ही होता है लेकिन वहाँ इंक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल आई काइंड ऑफ साउंड आती है ओके वो इमाला से बिल्कुल अलग है ये इमाल वही है जो अलिफ मकसूरा के अंदर एक और रिवायत में आपने देखा होगा वो हे हे इस तरह पढ़ते हैं है ना अलिफ मकसूरा जहाँ आता है तो इमाला करके बहुत जगह इमाला होता है उस रिवाय के अंदर जिसका मैं वीडियो आपको मैं सेंड कर चुके हैं व्हाट्सएप में द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स राइट बट यहाँ पर हम जो फॉलो करते हैं हफ्ते नासीब में कम्प्लीट कुरान के अंदर सुरहु के नंबर फोटी में सिर्फ एक ही प्लेस है और एक ही वर्ड है

और इसके हवाले से जब भी आसाइन आपको मिलता है कुछ सीन जैसा होता है आप अपने बॉर्डर को देखना होता है वो बॉर्डर्स में जो है पेज कॉल पेज का जो बॉर्डर है उसके बाहर उसके हवाले से लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे आ, ना तो इसको ये एक्चुअल में स्टैंडिंग कसरा स्टैंडिंग फतः बताया जा रहा है कि इसके दरमियान पढ़े मजीदी मुसफ में सिर्फ स्टैंडिंग कसरा मिलेगा और शायद आप इसको मजरिहा पढ़ रही हैं मजरिहा नहीं पढ़ेंगे ये इमाला होता है जो सिर्फ इस वर्ड में करेंगे फ़तः और कसरा की दरमियान की आवाज़ इसको पढ़ना है बिसमिल्ला व और खींचना भी है दोहर का क्योंकि ये स्टैंडिंग फ़तः और स्टैंडिंग कसरा की जो है स्टानिक कसरा के दरमियान की, की आवाज़ है फ़तः कसरा की है लेकिन मद भी करना है ओके बिस्मिल्लाही मजरेहा ना पड़ी हा वो सा हा ओके बिस्मिल्ला हिम व मोरो ऐसे पढ़ना होता है इस दुआ को स्पेशली पता ही होगा आपको कि ये कश्ती में सवार होते हुए पढ़ी जाती है है ना मजीदी मुशफ़ में भी कोई साइन है ओके बारक ओके मजरेह हा व मोसा हा पढ़ेंगे और ये रोत तरकी होता है हालांकि इस्टानिंग पर अच्छा लिखा हुआ है मज़ीदी मुसफ़ में स्टारिंग का लिखा हुआ है तो यहाँ पर तफ़ीम यहाँ पर तरकी लेकिन ये जो रो है तरख़ीक़ के साथ यानी लाइटनेस के साथ पढ़ा जाएगा इसको मज़े ना पढ़ी मज रे हे ह होगा इसको कहते हैं माला जो सिर्फ यहीं होता है और कहीं नहीं होता इस मजीदी मुसफ़ में और आई मीन उस तरीक़ा शाह की जो हम रूलिंग पढ़ रहे हैं उसमें ओके अलहमदुल्लम ये शोरा खुद क्या नंबर फोर्टी वन है इसको हाईलाइट कर लें ओके okay. तो ये कौन रूलिंग है इसको आप कह सकते हैं द रूल ऑफ वर्ड दोआफिन दाफिन एक वर्ड है इसकी रूलिंग है सोरा रूम क्या नंबर फिफ्टी फोर के अंदर ये वर्ड एक ही आयत में तीन बार आया है ओके okay. दिन दाफिन दोआफिन इसको आप दोआफिन भी पढ़ सकते हैं या दुआफिन भी पढ़ सकते हैं दोआफिन या दोरफिन दोनों पढ़ सकते हैं फतेहा और दोमा फतहा तो ऑलरेडी दिया गया है आप इसको बस दम्मा पढ़ सकते हैं नोट कचरा के बट इफ यू आर रीडिंग विद फत दो आफिन दुआफिन दुआफन तो आप इसको फतेहा के साथ ही पढ़ेंगे अगर आपने सोचा कि मैं इसको दमा के साथ पढ़ूंगी तो आप इसको दुर्फिन दफिन दोफन ही पढ़ेंगे बट इफ यू वुड लाइक टू डिसाइड दिस विद फतहा एंड टुगेदर ये आप नहीं कर सकते कि पहले वर्ड को दो आफिन पढ़ी दूसरे को दो ऑरफिन पढ़ी ये नहीं होगा दिस विल बी रॉन्ग यू कैन नॉट डू दिस इधर विद फतहा विच इज़ ऑलरेडी रिटर्न और इट विद वॉट ओके उसके बाद जो है वो है तस्ल यहाँ पे इलेवन होना चाहिए था एलेवे रूलिंग को हम पढ़ रहे हैं जी तस्हर का मतलब क्या है वो तो ऑलरेडी पता है आपको हमने अल आना हमें देखा था कि सकेंड वाला हमजा को आसान करके पढ़ना उसका कम्प्लीट अकादा करके नहीं पढ़ना सेम ऐसे ही रूलिंग एक जगह आती है स्टूडेंट्स में स्पेशली और आप ख़ुद कभी कहती हैं कि हमजा के बाद जब आइन आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रनाउंस करना मुश्किल होता है हालांकि या का ना अबुदू, आसान होता है नून के बाद जब आइन आता है लेकिन हमजा के बाद आयी आ ये प्रनाउंस करना इज टू डिफ़िकल्ट डिफिकल्टॉर मनी साइड आई मीन द स्टूडेंट्स जो भी हैं है, है ना तो डिफिकल्ट होता है ये आसानी के लिए सूरल फसलत की आई नंबर फोटी फोर सूरल फसलत की आई नंबर फोटी है इसके अंदर एक वर्ड आता है अ हमजतुल्कता और एक भी हमजतुल्कता ही है अ अ अ अ अ और ये प्रोनाउंस करना बहुत भारी होता है हमारे ज़बान पर हमारे हल़ पर आप कह सकते हैं कि इसके मखरज पर जो क्योंकि तीनों लेटर्स यहाँ पे हरूफ हल्की हैं एक हरूफ हल्के और, और एक हरूफ हल्के स्पेशली हमजा के बाद आइन पढ़ना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर दो हमजतल़ के बाद आयी आया है जो बहुत मुश्किल होता है इस वजह से यहाँ सेकेंड वाले हमजत व को आप तसहील करके पढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू हसन तरीक़ा शाकबिया कैसे अ आ के बजाय

ट्राई करके देखें अगर आपका हमजा के बाद आन पढ़ना आसान है आपके लिए तो आपको ये भी आसान होगा कुछ स्टूडेंट्स को हमजा के बाद आन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन दो फटा विद हमजाज ये पढ़ना बहुत मुश्किल लगेगा दैट इज़ वाई इसको तस्ल कर दरमिया जो आवाज़ होती है तश्ील का मतलब ये होता है कि आसान करना है ना तो ये जो सकिन हमजतव है उसको आमी यून आ भी नहीं करेंगे कि मत लगा दें बल्कि

सही से लिख कर दिया गया है उस्मानी मुशरफ में आपको ये ज़ीरो काइंड ऑफ डॉट ये देखिए ना तो ओबल है और ना तो वो वाला जो मैंने बताया था थोड़ा सा थिकनेस के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ ही साइन होता है वो नहीं है अब ये कंप्लीट डॉट के जैसा होता है ओके okay? ये आपको मिलेगा उस्मानी मुशरफ में सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दी साइलेंट अलफ हियर अगर आप, आप उस्मानी मुशरफ यूज़ कर रहे हैं तो डोंट राइट के वो साइलेंट अलिफ है जो वक्फ के दौरान भी नहीं पढ़ा जाता और वसल के दौरान भी नहीं ये एक्चुअल में हमजा ही है आ, सोरा फुसरत है नंबर फोर्टी फोर मजीद ओपन करके देखें शायद दोनों जगह फतहा लिखा हुआ है जी सिस्टर हाजिरा देखिए ये है अ जमीयुन ओके ये आसानी करके पढ़ने के लिए तहसील का मतलब ही आसान है अफसन आस निक के अंदर इस स्पेशल वर्ड में सिर्फ एक ही वर्ड है जहाँ पर हम तशहल करते हैं तहसील यानी सकिन हमजा अ आ, 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 आ ये पढ़ना मुश्किल होगा जब हम जल्दी में पढ़ते हैं अब यूगा आबी हालांकि कुछ कुछ के लिए इजी होता है बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट भी होता है मैं ये बस बता रही हूँ कि रीज़न बिहाइंड दिस क्या है इस तरह प, पढ़ सकते हैं ओके okay? तस्ल करके अकॉर्डिंग टू दिस रिवाया जो हम फॉलो करते है, इस हैं इस वर्ड के अंदर ये दोनों दोनों भी फथा ही हैं एक्चुअल में हमज़ाब हमज़ा बिकफ़त है फॉरवर्ड बंसा के ना है अ अ जस्ट टू तो मेक दैट हमजा इजी तो हम तस्हल करके सहला का मतलब आसान होता है उस से हमजत को हम आसानी के साथ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं आ अरबी। आ आ के आ आ जो हमने तस्हल फॉलो किया था ना उन तीन वर्ड्स में जहाँ पर इबदाल किया गया था अका डाउट इन ओके मैं वो बाद में क्लियर करूंगी ओके जी वहां पर इजहार किया जाता है सिस्टर इजहार करके सख्ता करना होता है वकील अमन रोक ये होता है इधार वकील अमन रोक ये इजहार होता है लेकिन वहाँ बताया गया कि इधार भी करें सक्ता भी करें सक्ता यानी पॉज भी करना जरूरी है वकील रोक है ना आई होप सिस्टर हाजिर आपको समझ आ गया है आप शायद सक्ता की बात कर रही हैं इजहार तो है ही ऑब्वियसली कल्ला में भी इजहार है लाम सान का और वो uh, जैसे वकील अमन रॉक में भी जारी हो रहा है एक्चुअल में अगर देखा जाए अल का जो वर्ड आता है लाम शमसिया में उसके बाद रॉ आता है तो लाम और रॉक को मर्ज किया जाता है और रहमान, लाम और रॉ मर्ज हो जाते हैं है, है ना लेकिन यहाँ पर हम बल रॉक सॉरी बल रॉक नहीं आता क्या आता है बल मैं भूल गई वन सेकेंड बल रॉन आता है जी तो देखिए लाम का हमेशा मर्जिंग होता है ना

फ़ाइन ओके okay. ये था लास्ट तहसील जहाँ पर हमने इस सेकेंड वाले हमज़रतुल्क़ को याद रखे नहीं है हमज़त अल्क़ा ही है और इस पर फते ही है ये एक वर्ड है आजम और आपको कुरान में दूसरे जगह भी मिलेगा ओके okay. उस पर कन्फ्यूज़ ना कर लें ये जो वर्ड है ना ये हमज़ा को ये हमज़ा नहीं होगा ओके okay. ये क्वेश्चनिंग हमजा आ रहा है सिर्फ इस तरह का वर्ड आ और जमीय आपको बहुत जगह कुरान में मिल सकता है लेकिन इस तरह दोनों हमजा मिलाते हुए हमजरतल मिलकर एक ही वर्ड आता है सोरफलत में इस वजह से एक हमज़त अल्क़ा है दूसरा भी हमज़तुल्क़़ा है उसके बाद जो है आइन वो भी एक हरूफ हल्की ही है दैट इज़ वाई टू मेक इट ईज़ी सेकेंड वाला हरूफ हल़ी जो यहाँ पर सेकेंड वाला हमजतलक़ा है उसको आसान करके अ के बजाए आ के बजाए रोबी इस तरह पढ़ेंगे अलहमद ला तो ये थे एलेवन स्पेशल रूल्स जो हमने सीखे हैं सो uh, सिक्स so, तक तो हमने कर लिया था इसका क्विक रिविजन करेंगे सख्ता तो फोर डिफरेंट प्लेसेस बहुत सारे प्लेसेस में होता है सिक्स जगह इंपॉर्टेंट है बट ये फ़ोर जो कम्पल है कम्पल्सरी है जिसमें दो जगह तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वक्फ किया तो वसल किया तो सकता ही करना होगा बगैर कोई ब्रतल्स पॉज के कि सांस में आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते uh, सुर यासिन में भी और सुरल का में भी सकता तो करना ही पड़ेगा अगर आपने एक आयत को दूसरे आयत से मिलाना चाहती हैं तो और सूर्य यासिन में भी कंप्लीट एक आयत को एक सांस में पढ़ना है तो बीच में सांस को रोकना जरूरी होगा लेकिन जो सूरत और सूरह मतफ़िन की आयात हैं वहाँ पर इजहार करना होगा नून साकिन का और लाम का हालांकि लाम और रॉक का इंतगाम होता है इदुगाम शवीर होता है और नून साकिन का और रोम का भी इंग़ाम होता है है ना तो बट स्टिल हमने यहाँ इजहार करना है इजहार के साथ साथ सख्ता भी करना है वन हरका के लिए तो मिनिमम आपको रोकना है आप अगर साजिश सुनने की आदत है यूट्यूब पर तो देखा होगा कि कुछ खुरात तो दो हरका भी रोक देते हैं ओके क्योंकि यहाँ पर सख्ता करना इंपॉर्टेंट है ओके मिनिमम वन हरका मन कल्ला बल क्र है इतना तो ज़रूर रुकेंगे इनशाला उसके बाद सीन और सौद की रूलिंग भी हमने देखा कि एक वर्ड में सौद और सीन दोनों इकता लिखे गए हैं जहाँ पर सोर् बकरा में आपने सीन ही पढ़ना है सोय आरफ़ में भी लेकिन सोरा तूर के अंदर आपके पास चॉइस है कि या तो सीन पढ़ें या सौद पढ़ें और सोरा ओशिया के अंदर आपने सौद पढ़ना है ओके नॉट द इमाला होता है सिर्फ एक ही जगह में, में इमाला इनक्लाइनेशन को कहते हैं जहाँ माइल होने को कहते हैं जहाँ आवाज़ फतहा से कसरा की तरफ माइल होती है कंप्लीट माइल तो नहीं हो जाती लेकिन उसके दरमियान की आवाज निकल कर आती है और यहाँ रॉक और तरक्की के साथ लाइटनेस के साथ पढ़ा जाता है मजरे नेक्स्ट okay? है uh, ये ड्राॅफिन जो है इसको अपनी फत्या या गुम् के साथ भी पढ़ सकते हैं बट मेक श्योर करेंगे एक को अप्लाई करेंगे तो तीनों वर्ड्स में अप्लाई करना है वरना आ, कभी फथाई का अप्लाई नहीं कर सकते बेटर है कि जिस तरह लिखा हुआ है कुरान के अंदर दिया गया है वैसे ही इसको पढ़ा करें इन लास्ट जो रूलिंग थी वो है तशहल की जूरफ उ के नंबर फोर्टी फोर में अ आजम व वी में अप्लाई करते हैं ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा बग़ैर एक और हमजर वक़ा की वहाँ सिर्फ़ एक ही हमजदलक़ा होगा सो कंफ्यूज ना कर लें बस यहाँ पर इस वर्ड में आ, आ, दो हमजरत वक़ा हैं आसानी के लिए सहल कहते हैं आसानी को तशहल करके हमने पढ़ना है अ आ व अरबी ओके अलहमदल्ला तो इतना ही है वी हैव कम्पलीट ऑल दी स्पेशल फर्स्ट बोर्ड इन विच यू विल हैव टू अप्लाई बस इसको अपने मुस्तफी में हाईलाइट कर ली स्पेशली अगर कुछ एप्लीकेशन के लिए है तो अप्लाई करें जैसे सीन है सौद है उसकी रूलिंग को अप्लाई करना है और दुआफिन जो है बेटर है कि आप ना हाईलाइट करें बिकॉज जैसा लिखा है वैसा आप पढ़ेंगे तो काफ़ी होगा है ना और इस वर्ड को और को पढ़ें ये फॉलो करना ही होता है असन आसिन की रूलिंग में हालांकि दो फतहा भी आई मीन लिखे हुए हैं मजीदी मसफफ़ में स्टिल बेटर के आप उसको फॉलो करें राइट और सख्ता को भी आप शायद तो हाईलाइट कर सकती हैं मजर मजरा को भी आपने हाईलाइट करना है बिकॉज़ इसी तरह पढ़ा जाता है आप मजरी हा या मजरा हाँ नहीं पढ़ सकते और ये तो आपको ऑलरेडी पता है है ना ये भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वर्ड्स के दरम्यान में ही आता है हम वक्फ तो करेंगे नहीं करेंगे तो दो तरीक़ा हैं इसके वक्फ करने के ओके लाता मन या तो इश्म करें या तो इख्तिलास इश्माम विल बी मोर इजियर बिकॉज यू जस्ट हैव टू एंसोर कॉल योर लिप्स नथिंग टू डू मच जिस तरह है वैसे ही पढ़ना है है ना ओके ये तो पता चल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर तशदीद होगी तजदीद साकिन तटों के बाद जब तजदीद आप देखेंगे तो ऑबियसली दो मस्वीर वहाँ पर होता ही है यहाँ पे तो इट्स अंडरस्टूड हम जरूर इसको इधार करके ही पढ़ते हैं और ये भी इब्दाल करके दिया गया है सो डोंट वरी यू शुड इट विद वरीबाल और यहाँ पर भी अगर आप मिलाकर कर पढ़ेंगे तो ऑबियसली इस पे साकिन और इस पर तशदीद देखेंगी जिसको आपने इन शह दवा मशीर करके पढ़ना होगा आसान है हमारे सारे टॉपिक्स कम्प्लीट हो गए हैं जो रह गया है वो है वक्फ इब्तदा और पता ओके okay, वक्फ़ है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे इनशा उसके बाद कत को पढ़ेंगे क़ा कहते हैं तिलावत की तिलावत को स्टॉप कर देना ओके ये जो वक्फ़ है ये आयतों के दरमियान सांस टूटने की वजह से आलामतों की वजह से आयत के एंडिंग पे स्टॉप होना है पतः होता है कम्प्लीट रोसाइटिशन को ही स्टॉप करना इस नीयत से क्या तिलावत कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं थोड़े मिनट्स के बाद या दिन के बाद आप दोबारा तिलावत करते हैं उस टॉपिक को क़ा कहते हैं उसके बाद इब्ता क़ा करने के बाद जब दोबारा कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो किस तरह आपने इब्ता करना होता है क़ुरान की रिसाइटेशन की इनशाला वो भी हम सीखते हैं फाइन जस्ट थ्री टॉपिक्स हैं विच विल जस्ट टेक टू डेज सैटरडे एंड संडे देर विल बी द क्लास डोंट मिस दिस टू क्लासेज ओके सैटरडे संडे विल बी द लास्ट क्लास उसके बाद इन एक्स्ट्रा क्लासेज होंगी जिसमें रिविज़न uh, होगा और हफसन सॉरी मजीदी मुस्फ़ ानी मुस्फ़ की कुछ डिफरेंसेस बताए जाएंगे रिवीजन क्लासेस और दो तीन होंगे जहां पर हम सारे टॉपिक्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे ओके मे बी इन टू डेज़ इनशाला हम कंप्लीट करेंगे हाफ पोर्शन इन वन डे अनदर हाफ पोर्शन इन अनदर इफ यू हैव मिस्ड एनी क्लासेज बेटर क्या विद एटलीस्ट रिविज़न क्लासेज को जॉइन कर लें इट विल भी मच बेनिफिशियल इन ओके

Fine. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا